किया। मैं नॉर्मली वेबिनार नहीं करता हूँ, ये सबको पता है, कभी कभी करता हूँ। वो तब करता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है, या कुछ ऐसा देखता हूँ या कुछ ऐसा सुनता हूँ जो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ चल रहा है मिथ्स, इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, तो फिर मैं करता हूँ। कि क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब पे जाते हैं, कई लोग देखते हैं, कई लोग शेयर करते हैं इसको, तो मेरी कोशिश यही होती है कि नॉलेज जाए मार्केट के अंदर अच्छी, मिथ ना जाए, डर ना जाए। क्योंकि आज की रेट में जो ये हम बदनाम हो रहे, ये साइंस वो इसलिए बदनाम हो रही है कि ये डर की साइंस हो गया है, कि लोग हम डरा रहे हैं और डरा के लोग पैसा ले रहे हैं। तो डर की साइंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार जुड़ता हूँ। एक ना, मैं पिछले 3-4 दिन से, 3-4 दिन पहले मैंने किसी का वीडियो देखा, काफी बड़े वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि वो बात कर रहे थे किसी के बारे में कि भाई उनके नाम में एक बुरा साउंड है, वो बुरा साउंड उनके लिए बुरा करेगा। आप ये ना, ये होता है हाफ बेक कुकीज, मतलब आपने एक बात बोल दी, जितने भी लोग उस चीज को सुनेंगे, जिसके नाम में भी वो साउंड होगा, वो घबरा जाएगा, वो सोचेगा मेरे साथ भी बुरा होगा। जबकि कोई भी बुरा साउंड अकेले काम ही नहीं करता, कोई भी अच्छा साउंड अकेले काम ही नहीं करता। हर साउंड को हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए, उन नंबर्स की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं। साथ में अगर किसी नंबर का नेगेटिव आपको फेस करना है और आप उस नंबर से रिलेटेड कर्मास कर रहे हो, चाहे वो बाई प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे जाने अनजाने में कर रहे हो, तो आपको उसका जो रिजल्ट दिखेगा ना, वो बहुत कम दिखेगा, इम्पैक्ट अपने पर कम दिखेगा। तो किसी भी चीज को बोल देना कि आपके नाम में SH आ गया, आपके नाम में एंड आ गया, आपके नाम में SU आ गया, तो आपके प्रॉब्लम आ ही जाएगी, ये गलत बात है, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। और एक चीज ना, मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, इस सेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे क्लाइंट हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी एक बात वो क्लियर बोलता हूँ और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी चीज क्लियर पढ़ाता हूँ कि जब तक आप, भले ही हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं, हम उसको अच्छा नाम देना चाह रहे हैं, हम उसको कंसल्ट करके अच्छी सलाह देना चाह रहे हैं, मगर डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कोई किसी की डेस्टिनी उससे कुछ और करवाना चाहती है, तो वही होगा जो डेस्टिनी चाहती है। जब तक डेस्टिनी अलाउ नहीं करेगी, आप कभी भी सही गाइडेंस नहीं ले सकते। डेस्टिनी जब तक अलाउ नहीं करेगी, आप कभी भी सही नाम अडॉप्ट नहीं कर सकते। डेस्टिनी अगर अलाउ नहीं करेगी, तो आपका बुरे से बुरा वक्त चल रहा हो, आप कोई ऐसा उल्टा काम करोगे ही नहीं, ऐसा कोई कर्म करोगे ही नहीं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम में आना पड़े। डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज डेस्टाइन है वही होती है। बस ये साइंस हमको हेल्प कर रही है कि टफ सिचुएशन के अंदर हमको सपोर्ट मिल जाए, और अच्छी सिचुएशन के अंदर हम अगर 400 की 100 की स्पीड से चल रहे हैं, तो उसको 120 130 की स्पीड के अंदर चल के हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डेस्टिनी में कुछ है ही नहीं और वो कोई क्रिएट कर दे आपके नाम से, या आपको कंसल्ट करके, आपको उपाय करा के, वो चीज क्रिएट नहीं की जा सकती है जो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। ये चीज क्लियर समझिएगा, जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं, जो इसको आगे भी देखेंगे, आप कभी वो चीज क्रिएट कर ही नहीं सकती जो डेस्टाइन नहीं है। आपकी कुंडली, आपके नंबर्स जो चीज प्रॉमिस ही नहीं करते हैं, मतलब जिस चीज का योग ही नहीं है आपके पास, आप कभी भी उस चीज को क्रिएट नहीं कर सकते कि हम नाम के में ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे। हम किसी भी चीज को कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर हर एक चीज के साथ डू एंड डोंट्स आते हैं। एक नाम हम किसी को डिजाइन करके देते हैं, उसमें डू एंड डोंट्स होते हैं, मतलब किसी को कोई भी हम नाम दे रहे हैं बना के, साथ में हमको उसको रेमेडी देनी होती है, उसे बताना होता है कि आपको आने वाले समय में ये करना है और ये नहीं करना। अगर आप जो नहीं करना उसको फॉलो करते हैं और जो करना है उसको करते हैं, तो इस नाम के आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। सिर्फ नाम देना काफी नहीं होता, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए साइंस की, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों की। नेम न्यूमरोलॉजी अच्छा है, मगर फिर भी
आपको ज्यादा अच्छा होता है अगर आप कर पाए। तो एक ना मिथ है बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक वाला, कि हमेशा हर किसी को हमको नाम देना है वो 1 पे देना है, जिसका कंपाउंड आए 5 पे देना है, 6 पे देना है और 3 पे देना है। 5 तो सबका फेवरेट है कि 5 पे नाम दे दो। और ये बात मैं आज किसी से कर भी रहा था, किसी का मुझे कॉल आया हुआ था, उन्होंने इस चीज पे अग्री भी किया, वो शायद मुझे दिख नहीं रहा है काफी लोग हैं इसके अंदर है कि नहीं है। आप सबके लिए 5 अच्छा नहीं होता, और यही चीज समझनी चाहिए हमारे को, यही चीज हमें समझानी चाहिए सबको कि हर नंबर हर किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं होता। लोग बोलते हैं 7 पे नाम मत दो, 4 पे नाम मत दो, 8 पे नाम मत दो, प्रॉब्लम कर जाएगा। मगर अगर आप उस प्रोफेशन में हो तो वही नाम आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। अमिताभ बच्चन का नाम 43 के 7 पे है, रणबीर कपूर का 40 के 4 पे है, रणवीर सिंह का 34 के 7 पे है, शिल्पा शेट्टी का 43 के 7 पे है, रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन 35 के 8 पे है, राहुल द्रविड़ द वॉल हमारे आज के डेट में जो नेशनल कोच है 35 के 8 पे है, लता मंगेशकर जी 40, ममता बनर्जी 40, बिल गेट्स 25 का 7, अरविंद केजरीवाल 40, सोनू निगम 35 का 8, अरिजीत सिंह 27 का 9। जिन नंबर को हम प्रेफर ही नहीं करते हैं देना, मैंने आपको इतने सारे नाम गिना दिए, और ये इतने नाम है अगर मैं आपको बताना चाहूं ना, बताने में आऊं कि ये सेशन खत्म हो जाएगा मगर ये क्लोज नहीं होगा। तो फिर इनको क्यों नहीं प्रॉब्लम आई, इनका तो नाम 7 पे है 8 पे है, क्योंकि 7 और 4 अगर आप मीडिया से रिलेटेड किसी कोई काम करते हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो वहां पर बेस्ट सूटेड है 6 से भी ज्यादा। इसलिए यहां पे वो अच्छा काम कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ काम करेगा, कौन सा नंबर कहाँ काम नहीं करेगा। कई लोगों का 44 के 8 के ऊपर कंपाउंड है नाम का, मगर वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। किसी को 50 का नाम या 55 का नाम प्रॉब्लम दे देता है, किसी को 50 और 59 55 का नाम प्रॉब्लम ही नहीं देता। हमको ये देखना जरूरी है कभी भी नाम डिजाइन करते समय। मैं सिर्फ ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि लोग अवेयर हो, हमको ये चीज बहुत जरूरी है जब हम नाम डिजाइन करें, बेसिक नंबर को, डेस्टी नंबर को, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको लोग भूल के बैठे हैं, उसका कोई बात ही नहीं करता, वो है जोडियक नंबर। जब तक आपका ना, और जोडियक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए, जिसको लोगों ने देखना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, हर जगह में आके बोलेंगे बेसिक डेस्टिनी बेसिक डेस्टिनी। जोडियक को कैसे मिस कर रहे हो आप, जोडियक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जोडियक के अगेंस्ट में नंबर दे दोगे किसी नाम का कंपाउंड का, वो आपका काम खराब कर देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज और आती है, आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट, आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या चूज करते हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, 2-3 वीडियोस तो है ही हैं, जिसमें मैंने आपको अल्फाबेट चूज करना बताया कैसे चूज करते हैं, बट वहां पर आपकी कितनी अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है वो, आप वो प्रॉपरली पिक कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मैंने तो आपको वहां पे क्लियर बताया, छुपाया नहीं, सब बताया कि कैसे करते हैं, मगर आपको ये देखना कि कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रांग है, वो तो आपको आपके एक्सपीरियंस से पता लग सकता है, या आपको अच्छी नॉलेज है तो पता लग सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि YouTube देख के कोई भी लोग अपने नाम चेंज ना करें, कोई भी चीज ऐड ना करें, कोई भी चीज रिमूव ना करें। अगर आपके नंबर्स से कंपेटिबल प्रोफेशन में आप हो, या उन नंबर से कंपेटिबल आप कर्मास कर रहे हो, तो आपका कंपाउंड बुरे से बुरा क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका कंपाउंड 24 क्यों ना हो, 24 किसका है कंपाउंड, अनिल अंबानी, क्या मिला, कैसे
क्या रिजल्ट है? सबके सामने है। अगर 24 सबको बुलंदियों पे लेके जाता है तो उसको क्यों प्रॉब्लम आई है? एक समय तो वो 2017 18 में 15 14 15 में तो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था। वो फॉर्ब्स की लिस्ट में टॉप पे आ गया था। वो इंडिया में तो टॉप पे आ गया था। वो 2 3 साल लगातार रहा था। मगर अचानक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हर नंबर हर किसी को सूट नहीं करता। और यही चीज मेन समझने वाली है कि क्या किसको सूट करता है। और ये कोई किसी को घोल के पिला नहीं सकता। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सारा, कि आपको कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आप, कि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे से आप इस चीज को समझ गए हो, तभी आप इस चीज को अचीव कर पाओगे या किसी की हेल्प कर पाओगे या अपनी खुद की हेल्प कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कोई भी नंबर को आपने बुरा नहीं बोलना और कोई भी नंबर को अच्छा नहीं बोलना। बुरे से बुरे नंबर के अच्छे रिजल्ट भी हैं और अच्छे से अच्छे नंबर के बुरे रिजल्ट भी हैं। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। लोग बोलते हैं 13 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर ये कार्मिक नंबर है। कार्मिक कौन सा नंबर नहीं है? हम सब बॉर्न हुए, हम सबका बर्थ हुआ है, तो इसका मतलब क्लियर है कि हम सबके कार्मिक होने के डेप्थ थे, तभी तो हम बॉर्न हुए। अगर हमारा कार्मिक डेप्थ क्लोज हो जाते तो क्या हम पैदा होते इस दुनिया में? चाहे वो आप 6 को हो, चाहे 9 को हो, चाहे 5 को हो, चाहे 19 को हो, चाहे 10 को हो, किसी भी नंबर पे हो, हर एक नंबर का कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है ही। तो सिर्फ 13 नंबर को, 16 नंबर को, 19 नंबर को ये प्रॉब्लम में लाना या करना, कि ये बोलना कि ये नंबर कार्मिक का बाकी नहीं है, गलत है। तो मेरी इसलिए थोड़ी सी आपसे मैं ये बात करना चाहता था कि आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको पता लगेगा आपके आसपास में इतने लोग हैं जिन नंबर्स को आप बुरा बोलते हो, जिन नंबर्स के से लोग दूर भागते हैं कंपाउंड पे, उन्हीं पे नाम रख के बैठे हैं और वो सक्सेस ले रहे हैं। रीजन सिर्फ एक है कि वो अपने नंबर से रिलेटेड प्रोफेशन कर रहे हैं या उनके कर्मास उन नंबर्स के रिलेटेड है। मेन तो प्रोफेशन ही आ गया। प्रोफेशन में है तो रिजल्ट देगा। तो हमें पता होना चाहिए कौन से नंबर किस प्रोफेशन के लिए बेस्ट सुटेड है और कौन से नंबर किसी प्रोफेशन के अंदर चलते नहीं है। मैंने 2 या 3 दिन पहले कंसल्टेशन की। पर्सन ने बहुत अच्छा पैसा लगाया हुआ है, काफी पैसा लगाया हुआ है। उनका काम है फूड का, और वो बाहर से कोई काफी जो कॉस्टली फ्रूट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको पैक करके यहाँ पे देते हैं। सक्सेस नहीं मिल रही। रीजन, फूड को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर है ही नहीं उनके पास, ना तो नाम में है ना डेट ऑफ बर्थ में है। और किसी भी चीज के को आपने एक्सपेंसिव बनाना हो तो उसके साथ जुड़ता है 6 नंबर। 6 नंबर भी ना उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है और ना उनके नाम में है। 6 2 नंबर और 6 नंबर का अल्फाबेट ही नहीं है उनके नाम में, तो कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। जितना मर्जी पैसा लगा चुके हैं वो, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। और लोगों, एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं मेरी बीवी के नाम पे कर लूं, मैं अब मेरे बच्चे के नाम पे कर लूं तो मुझे फायदा होगा। जो पर्सन डिसीजन ले रहा है उसके नंबर्स मैटर करते हैं, ना कि वो जो पेपर पे है। मतलब हमको लगता है कि हम जो प्लैनेट है ना, जो आसमान में घूम रहे हैं प्लैनेट्स, जिनकी वजह से हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, वो सबको हम पागल बना देंगे। हम कर तो रहे हैं अपने बीवी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, किसी के नाम पे काम, मगर डिसीजन हम ले रहे हैं। जब डिसीजन हम ले रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी और के प्लैनेट या किसी और के नंबर्स आपको सपोर्ट कर देंगे? करेंगे ही नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ एक पर्सन, एक कंडीशन होती है जिसमें आप अपनी वाइफ के नाम पे काम कर सकते हो। वो मैं आप यहां पे बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र साथ बैठे हैं या एक्सचेंज में बैठे हैं, तो अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे काम करोगे तो ही फलेगा, अदरवाइज नहीं फलेगा। बाकी आप जो मर्जी कर लो, वहां पे आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है तो वहां पे ये चीज हो सकती है। मगर हर कोई अगर अपनी बीवी के नाम पे, किसी के नाम पे काम करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो चीज नहीं मिलेगी।
ठीक है जी। एक तो छोटा सा मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कंपाउंड्स के, मैंने आपको इतने लोगों के नाम बताए, आप आसपास के कितने लोगों के नाम देखना जो सक्सेसफुल हैं, आपको उनके नंबर थोड़े अजीब से ही मिलेंगे। 7 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता कि एक एक 3 5 6 में प्रॉब्लम मिलेगी, पर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ 1 3 5 6 नंबर पे नाम लेके जाना सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकता और ना ही है। सक्सेस की गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मास हैं। आपके कर्मा अगर आपके प्लैनेट्स और आपके नंबर से मैच कर जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा, नहीं तो रिजल्ट बुरा। प्लैनेट को कुछ नहीं पता कि किसको अच्छा करना है किसको बुरा, उसको उसको ना मैं पसंद हूं और ना आपसे दुश्मनी है। वो तो देखता है कि कौन सी एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो वहां से पॉजिटिव ब्लेसिंग आती है, हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो नेगेटिव ब्लेसिंग आती है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।